हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को संपूर्ण किताब का 40 ऐसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न को बताएंगे जो आपके 2024 के पेपर में 100% फ्रेंड्स सभी आने वाले प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में से आपको मैक्सिमम सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में यदि टारगेट रखे कि 95% लाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने पहला नंबर का सवाल क्या है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि जो 2022 में और 2020 में पेपर हो चुका है उसमें ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन क्या है, दिल्ली, लाहौर, सूरत या कोलकाता। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स देखिए, आपका दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट की घोषणा हुई थी, नमक कानून तोड़कर, या जालियांवाला बाग हत्याकांड, या साइमन कमीशन। फ्रेंड्स, पहले आप याद रखिएगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, महात्मा गांधी। और कब चलाया गया था फ्रेंड्स, तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था फ्रेंड्स, नमक कानून तोड़ने के लिए चलाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुए था, तो नमक कानून तोड़ने के विरुद्ध किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला नंबर का सवाल आपके सामने है। ये भी प्रश्न आपके 2023 और 2022 में ये प्रश्न फ्रेंड्स रिपीट हो चुका है, तो इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। देखिए क्या प्रश्न है फ्रेंड्स कि आर्थिक महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1919, 1924, 1929 या 1934। तो फ्रेंड्स, आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का फ्रेंड्स सवाल देखिए आप, भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है। फ्रेंड्स, वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको तो आप याद रखिएगा कि भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, रूसो को, हिक्की को या गोविंद मोहन को। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेस का जनक जो माना जाता है हिक्की को माना जाता है। किसको माना जाता है, हिक्की को। इसका सही जवाब कौन सा होगा, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, गुलामगिरी का लेखक कौन है। तो फ्रेंड देखिए, गुलामगिरी का जो लेखक है ज्योतिबा फुले हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या है प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान से कि मृदा जो होता है निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, ये संभावित संसाधन। देखिए फ्रेंड्स, मृदा जो है एक प्रकार का नवीकरणीय योग्य संसाधन, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर का सवाल देखते हैं, सातवां नंबर का सवाल क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड देखिए, काली मिट्टी जो होता है दो राज्यों में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, एक तो होता है गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात को, दूसरा होता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको इसमें महाराष्ट्र दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, गुजरात। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा कि काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो गुजरात में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर का सवाल क्या है आपका, अगला नंबर का सवाल देखिए, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ या सघन झाड़ी। देखिए फ्रेंड, जो प्राकृतिक वनस्पति होते वो कैसा होता है, हरा भरा होता है ना, इसीलिए हरा सोना जो कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स,
निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? आपको बताना कि नर्मदा नदी जो है इस पर निर्मित बांध कौन सा है। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से पहले फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या सरदार पटेल बांध। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है उस पर आपका सरदार सरोवर, ठीक है, याद रखिएगा पूरा डिटेल में, सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। यहाँ पर सरदार सरोवर बांध आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप मत लगा दीजिएगा फ्रेंड्स सरदार पटेल, ये गलत है। ने? कौन सा सही होगा? सरदार सरोवर बांध। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारत विश्व में जितनी भी वर्षा होती है उसका कुल कितना प्रतिशत भारत में जल प्राप्त है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 4%, 9%, 7% या 10%। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? 4% होगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है कि काटन दहन कृषि, देखिए जिसे हम काटन दहन का मतलब होता है झूम कृषि है, झूम कृषि निम्नलिखित से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में, उत्तराखंड में या मिजोरम में। तो फ्रेंड देखिए जो झूम खेती होता है आपका जो होता है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? मिजोरम राज्य में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए सवाल कौन सा है, 12वां नंबर का, कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, चना को, मूंगफली को, ज्वार को या मूंग को। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे याद रखिएगा जो मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल किया गया है उसे ज्वार को सम्मिलित किया गया है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, ठीक है, खनिज के रूप में कौन सा है? देखिए मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो अयस्क होता है वो खनिज आधारभूत होता है। तो यहाँ पे पूरा दिया लौह अयस्क, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा कि खनिज आधारभूत कौन सा है, तो लौह अयस्क है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपका 14वां नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पे एंथ्रेसाइट ना हो गया, ये एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एंथ्रासाइट, ये एंथ्रासाइट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है कि एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से होता है? ऑप्शन पढ़िए, तांबा से, सोना से, बॉक्साइट से या कोयला से। तो फ्रेंड्स एंथ्रासाइट का जो संबंध होता है कोयला से होता है, ठीक है, इसका सही जवाब डी वाला होगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 15वां नंबर का क्या है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। तो फ्रेंड्स जो झारखंड होता है उसमें जो कोडरमा होता है किस लिए, किस चीज़ का उत्पादक करता है? तो ऑप्शन अभ्रक करता है, लौह अयस्क का, तांबा का या सोने का। तो फ्रेंड्स जो झारखंड में कोडरमा है वो किसका उत्पादक करता है? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभ्रक करता है। किसका करता है? अभ्रक का। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर 16वां नंबर का क्या है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑक्साइड किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का संबंध किससे, या एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे सीधे याद रखिएगा बॉक्साइड किससे संबंधित है? एल्युमिनियम से। बस इतना याद रखिएगा प्रश्न को। देखिए अगला नंबर क्या है, 17वां नंबर का, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर का जो प्रयोग होता है कच्चे माल के रूप में कहाँ पे करते हैं? ऑप्शन एल्युमिनियम करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, सीमेंट में करते हैं या मोटर गाड़ी में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो चूना पत्थर होता है फ्रेंड्स इसे कच्चे माल के रूप में सीमेंट में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? सीमेंट में। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 18वां नंबर का सवाल क्या है, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन। तो फ्रेंड देखिए आपको जैसे वायुयान हुआ या हेलीकॉप्टर से आपको सफर करना है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा धन खर्चा करना पड़ता है। यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा होगा? वायु परिवहन। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। फ्रेंड्स यदि आपके सवाल में यह कहता कि यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा, सस्ता पूछता फ्रेंड, तो आप याद रखिएगा सस्ता कहता है जल परिवहन होता है। कौन सा होता है? जल परिवहन जो होता है सबसे सस्ता साधन होता है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई, यानी कि आपको बताना है कि राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 1990 में, 2014 में, 2008 में या 2015 में।
देखिए फ्रेंड्स, नेपाल में जो राजा का शासन था, और जो राजा का शासन था कब समाप्त हुआ था, 2008 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी, तो 2008 ईस्वी में समाप्ति हुई थी। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर 20वां नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ऑप्शन है रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो संघीय सूची होता है, संघीय सूची के अंतर्गत जो शामिल किया गया है, रक्षा को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब सी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 21 नंबर का सवाल क्या आपका है कि जर्मन संस्कृत में बोक्स जिस्ट का आशय है। आपको बोक्स जिस्ट जो है उसका आशय आपको बताना है कि बोक्स जिस्ट का आशय क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, ऑप्शन है राष्ट्र, संविधान, आम जनता या संसद। तो बोक्स जिस्ट का जो आशय है फ्रेंड्स आम जनता से है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 22वां नंबर का क्या है कि स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यानी स्वराज पुस्तक जो होता है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है सरदार पटेल के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं आपके कौन है, तो स्वराज पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी है। तो महात्मा गांधी ने स्वराज पुस्तक लिखा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 23वां नंबर का। देखिए 23वां नंबर का क्या है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पे। ऑप्शन है वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन 1914 में हुआ था, 1939, 1919, 1942। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स 1914 में प्रारंभ हुआ था। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके साथ याद रखिएगा, जो 1919 है इसमें आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके साथ में फ्रेंड्स याद रखिएगा, रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 ईस्वी में आया था। ये दो प्रमुख घटनाएं इसे याद रखिएगा। 1942 में फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसे भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 25वां नंबर का क्या है, 1785 ईस्वी में सूट काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड देखिए, सूट काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है हारग्रीव्स ने, रिडले ने या स्टैनली ने या जोहन ने। तो फ्रेंड देखिए, 1785 ईस्वी में जो सूट काटने वाली नई मशीन का जो आविष्कार किया था हारग्रीव्स ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, 26वां नंबर का, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ठीक है, ऑप्शन इटली में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में या जर्मनी में। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल आपका क्या है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? ऑप्शन है राज्य को प्राप्त है, संघ को, ए और बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं आपको संघ को प्राप्त है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, 28 नंबर का, कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1972 में, 1967, 1980 या 1984। तो फ्रेंड्स देखिए, आप याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था आप याद रखिए कब हुआ था, 1980 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1980 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 29 नंबर का क्या है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म माना जाता है, यानी कि राज्य आधिकारिक धर्म कौन सा है भारत में? हिंदू धर्म को, इस्लाम को या ईसाई धर्म या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सीधे सीधे याद रखिएगा, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म जो होता है, किसी धर्म को एक आधिकारिक धर्म नहीं माना गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कोई नहीं है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 30वां नंबर का क्या है, कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 8, 7, 10, 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसको 9 बना लीजिए ना, ऑप्शन एक अलग होना चाहिए। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कितने हैं, 8। इसके साथ में फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो राज्यों की संख्या आप याद रखिएगा 28। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय है 8। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 31 नंबर का क्या है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है बगान, चारागाह, खनिज संसाधन या भूमि। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत यानी व्यक्ति संसाधन के रूप में किसे प्रयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत भूमि को नहीं रखा गया है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 32 नंबर का क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो सीढ़ीदार खेती है जिसे हम सोपानी खेती के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, सोपानी। ठीक है, सोपानी खेती के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे होता है फ्रेंड, ये उत्तराखंड में होता है, अर्थात इसका सही जवाब आपका होगा डी वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर के सवाल को देखते हैं आपका। 33 नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। ठीक है, तो ये तो प्रश्न आपको बताएं खनिज आधारभूत कौन सा है, तो लौह अयस्क है, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका कि निम्नलिखित में से परिवहन कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स अति दुर्गम का मतलब होता है कि जिस स्थान पर व्यक्ति आसानी से नहीं पहुंच पाता है, जैसे आपको चंद्रमा पर जाना होगा, पहाड़ी स्थानों पर जाना होगा, तो इन स्थानों पर आप आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए आप कौन सा साधन उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थान परिवहन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा, वायु परिवहन। वायु परिवहन मतलब वायुयान या हेलीकॉप्टर के द्वारा आप एक देश से दूसरे देश में आसानी से कम समय में पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सा साधन प्रयोग करते हैं, वायु परिवहन। समझ में आ गया होगा इसका आंसर आपको। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 35 नंबर का क्या है कि ये देखिए लिखित नहीं है फ्रेंड्स, निम्नलिखित, यहाँ पे आप निम्नलिखित समझिएगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा पतन देश के पूर्वी तट पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्वी तट पर कौन सा पतन उपस्थित है। देखिए पतन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जहाँ से पानी के जहाज़ों के द्वारा सामान आता है और वहाँ से दूसरे देशों में सामान भेजा जाता है, उस वाले स्थान को क्या करते हैं, पतन कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं। तो पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह उपस्थित है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन कांडला है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है या कोच्चि है। तो पूर्वी तट पर जो उपस्थित बंदरगाह है फ्रेंड्स वो कोच्चि है, इसका सही जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर 36 नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है, निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक कहाँ पे है, ऑप्शन हरियाणा में है, बिहार में, राजस्थान में या मेघालय में। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो प्रति व्यक्ति आय है सर्वाधिक जो आपका है वो हरियाणा राज्य में है, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स 37 नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी। तो फ्रेंड्स आप इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य जो रखा है कोई नहीं रखा गया है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, यानी सेवा क्षेत्र जो होता है फ्रेंड्स किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो सेवा है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछता है कृषि पूछता है फ्रेंड्स कि कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है, तो आप याद रखिएगा कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो फ्रेंड्स दो राज्य है उसमें वस्तुओं को दूसरे राज्य में भेजना, दूसरे राज्य से वस्तु को अपने राज्य में मंगाना, इसे कौन सा व्यापार कहते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या इसका सही जवाब होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। फ्रेंड्स यही भी प्रश्न पूछता आपसे कि दो देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे कौन सा व्यापार कहते हैं, तो देशों के बीच में यदि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इसका सही जवाब यहाँ पे बी वाला हो जाता है। लेकिन 39 का यहाँ पे सही जवाब क्या है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न क्या आपका, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिस्टेक है, तो आपसे यहाँ पे कोई मिस्टेक, यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन बना सकते हैं, कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन बना सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए एक मार्क जो होता है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक मार्क जो होता है खाद्य वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको 40 ऐसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न बताए हैं जो आपके पिछले साल के पेपरों में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और 2024 में जो होने वाला है बोर्ड का एग्जाम उसमें 100% इन्हीं सभी सवालों में से पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करें।